हेलो गाइस, माय नेम इज अनंत और मैंने अभी अभी खुफिया फिल्म देखी जो कि नेटफ्लिक्स पर आई है. खुफिया फिल्म, इफ यू टॉक अबाउट हाउ वाज द ओवरऑल मूवी, सो ओवरऑल मूवी इज गुड. ये बेसिकली मूवी बहुत अच्छी और उतनी अच्छी के बीच में स्टैंड करती है. इस पिक्चर में अलीफ यू नो फैजल हैं एंड तब्बू हैं, एंड जब भी तब्बू आती है कोई भी क्राइम थ्रिलर मूवी लेके, हमने दृश्यम दृश्यम 2 में ऑलरेडी देखा है. और ये पिक्चर को डायरेक्ट किया है विशाल भारद्वाज ने. सो डायरेक्शन अबव एवरेज मैं बोलूँगा, क्योंकि जो जिस प्रकार के कैरेक्टर हैं लाइक तब्बू, अली फैजल, उनसे बहुत अच्छा काम निकाला जा सकता है. सो ये मूवी स्टार्ट होती है और एंड तक आपको बांधे रखेगी, लेकिन कहीं कहीं बीच में छुट्टी हुई भी नजर आती है. सो लेकिन ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है, आप एक बार जरूर इसको देख सकते हैं, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे. और जैसा कि नेटफ्लिक्स में अभी क्राइम और थ्रिलर का यू नो इससे पहले जाने जा आई थी जो कि मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी. इफ यू अगेन दोनों की स्टोरी अलग है लेकिन एक जॉनर सेम है, तो आप कंपेयर अगर करते हैं तो जाने जा ज़्यादा अच्छी थी खुफिया से. लेकिन खुफिया भी वन टाइम वॉच है, आप जरूर देख सकते हैं, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे. तब्बू का काम काफी अच्छा है, अली फैजल का काम काफी अच्छा है. इसमें जो अली फैजल की वाइफ का जो भूमिका जिसने निभाई है, उस लड़की का भी काम काफी अच्छा है. एंड आशीष विद्यार्थी का भी रोल, जहां जहां पे वो आते हैं उनका भी काम काफी अच्छा है. सो या ओवरऑल इसमें ऐसा कुछ ज्यादा थ्रिल नहीं था कि कोई ज्यादा सस्पेंस लास्ट में खुलेगा, लेकिन जिस कहानी को इसमें दर्शाया गया है, जो क्राइम को सॉल्व करती है, एंड यू नो इट्स नॉट अ क्राइम आई वुड से, बट जो भी थ्रिल है इस पिक्चर में, ओवरऑल इट्स अ गुड वन टाइम वॉच, आप जाके नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. तो ये थी मेरी राय, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट.